रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक हो थैंक गया, यू सर। चलिए जी, वेलकम। अरे मतलब, तो मतलब बेसिकली हम ना इसकी एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में हम कर रहे थे डिस्कस के अगेन व्हाट कुड बी एग्जांपल ऑफ आपकी जो ये जी कोटा या स्मगलिंग के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अब वी नो मतलब गाड़ियों के कॉन्टेक्स्ट में वी नो कि हमारी ना काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें गाड़ियाँ इम्पोर्ट होती हैं, एंड वी ऑल्सो नो कि गाड़ियाँ हमारी ना स्मगल होती हैं, जो कि अगर आप के बी के आपका कोई चक्कर लगा हो ना, तो वहाँ एक बड़ी मार्केट है, जैसे बाड़ा मार्केट बोलते हैं ना, तो वहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाती है और बड़ी सस्ती मिल जाती है। ठीक है, आपको वहाँ पे ना प्राडो प्रूडो भी 8-10 लाख की हो सकता है कि उस तरह से मिल जाए। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब अगेन द थिंग इज कि यहाँ पे फिर जो भी गाड़ी आएगी उस गाड़ी को ना रजिस्टर होना है। ठीक है, अच्छा, अब जो गाड़ी प्रॉपरली लीगल चैनल के थ्रू इम्पोर्ट होके आई है उसको वो रजिस्टर हो जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लग जाता है, क्योंकि अगेन द थिंग इज कि दैट कार हैज द डॉक्यूमेंटेशन के किस किस तरह से, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ से आई है, किस कंपनी ने इसको असेंबल किया, व्हाट एवर द केस इज। अच्छा, जो गाड़ी वहां से आई है ना स्मगलिंग के थ्रू, वो यहाँ पे पाकिस्तान में, अगेन द थिंग इज कि वो पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं हो सकती। ठीक है, तो सपोज हम कहते हैं कि हमारे केपी के वाले एरिया में या फाटा के एरिया में, क्योंकि वहाँ रिट ऑफ लॉ थोड़ी वीक है, तो वहां पे गाड़ियां चल जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी पंजाब में आएगी ना, वो गाड़ी पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो अगेन द थिंग इज को जो स्मगलिंग है उसको कंट्रोल करना या उसके मामला देखना, वो आप ना सिस्टमेटिक तरीके से उसको देख सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट कि आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं देख सकते, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके बहुत ज्यादा मामला वीक हैं, लाइक पाकिस्तान में जो खुलेआम गाड़ियां उस तरह से बिकती बुकती हैं, तो आप क्या करें, आप लोकल कार मैन्युफैक्चरर को फिर उसी तरह से या उतनी ही सब्सिडीज देनी शुरू कर दें, तो आपका जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो वन वे और दी अदर क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा। ठीक हो गया पुत्र। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है कि इसका हम देख रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि इसका किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। इसका जनरली कोटे का नुकसान ना एज सच नहीं होता जब तक आप जो है वो लोकल डिमांड सप्लाई से ज्यादा ना हो। ठीक है, मैं सिंपली, अगर आपकी लोकल डिमांड ज्यादा है और लोकल सप्लाई कम है, ठीक है, आपकी लोकल डिमांड ज्यादा है और लोकल सप्लाई कम है, उस सूरत में ऑब्वियसली बात है कि आपने ऊपर से कोटा भी लगा दिया, तो जब कोटा लगेगा तो आपकी ना प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ना सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स की बल्कि आपकी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की भी। ये रिसेंटली ना शुगर कॉन्टेक्स्ट में जो हुआ था, मतलब वहां पे अगेन द थिंग इज कि वी हैड गॉट सप्लाई, लेकिन सप्लाई क्या हुआ, शुगर के लोगों ने ना शुगर को माफिया ने शुगर को स्टोर कर लिया किसी जगह से, तो डिमांड बढ़ गई। अच्छा, डिमांड जब बढ़ गई तो इन्होंने कोटा भी लगाया हुआ, ठीक है, या इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने कुछ शुगर इम्पोर्ट की और वो शुगर कोटे के थ्रू इम्पोर्ट हुई, वो शुगर इम्पोर्ट हुई वो मार्केट्स में आई, लेकिन प्रॉपर मार्केट में उस तरह से पहुंच नहीं सकी, जिससे ना प्राइसेस बढ़ गई शुगर की। ठीक है, तो जनरली जब जैसे कि हम डिस्कस करते आए हैं कि जितने भी हमारे वेज है ना, टैरिफ से भी नुकसान पब्लिक का होता है, क्योंकि अगेन टैरिफ की वजह से उनको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती। सब्सिडीज से भी नुकसान किसका होता है, पब्लिक का होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पब्लिक को अच्छी क्वालिटी की सस्ती प्रोडक्ट्स उस तरह से जो है वो नहीं मिलती, और पब्लिक को टैक्स देना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट पे सब्सिडीज में दे देती है। इम्पोर्ट कोटा में भी अगेन वही चीज़ है कि अगर फ्री ट्रेड नहीं होगी, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन होगी ना, और रिस्ट्रिक्शन क्या क्रिएट करेगी, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस। ठीक है, अब जब वो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस क्रिएट होगा ना, तो ऑब्वियसली बात है कि कंज्यूमर सफर करेगा। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगी, वो प्राइस कौन देगा, वो प्राइस कंज्यूमर को बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, कोटा हमने लगाया इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्री समटाइम्स इतनी ज्यादा कंपेटिटिव नहीं होती, तो जब हमने कोटा लगा दिया तो इम्पोर्ट हम एक हद तक कर रहे हैं, तो लोकल इंडस्ट्री चलती रहेगी, वो चीज़ें सस्ती चीज़ें महंगी, मतलब चीज़ें महंगी भी होंगी और चीज़ों की क्वालिटी भी उतनी जो है वो नहीं होगी। ठीक हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स है ना, इनको हम कोटा रेंट बोल देते हैं। ठीक है, अब सिंपली स्पीकिंग, कोटा की वजह से प्राइसेस इंक्रीज की, और उस प्राइसेस इंक्रीज करने की वजह से जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इसको हम बोल देते हैं कोटा रेंट। ठीक है, तो अगेन द थिंग इज के इन तीनों केसेस में या चारों केसेस में जो हमने पढ़े हैं, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट्स, इसमें अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है उसको नुकसान हो रहा होता है, लेकिन लोकल इंडस्ट्री को क्या हो रहा होता है, फायदा हो रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मतलब नेक्स्ट जो हमारा है वे या नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट में आप ये ना एक्नॉलेज करते हो कि हम जो है ना वो इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी लोकल इंडस्ट्री को ना थोड़ा बहुत उसके मामला जो है वो चलते रहे, ठीक है। तो आप कहते हो कि जी आप ठीक है इम्पोर्ट करें यहाँ चीज, लेकिन चीज यहाँ पे इम्पोर्ट करके यहाँ पे असेंबल होगी और उस चीज का या उस गुड का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो लोकली प्रोड्यूस होना जरूरी है, ठीक हो गया। अगेन द थिंग इज के हम पाकिस्तान में ना अगर आप डायरेक्ट कार इम्पोर्ट करें ना तो उस पर ड्यूटीज बहुत ज्यादा सारी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब होता क्या है कि पार्ट्स इम्पोर्ट होते हैं और यहाँ पे ना अल्टीमेटली वो असेंबल हो जाते हैं। तो अगेन द थिंग इज के कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री में मामला जो है वो चल रहे होते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में एटलस होंडा जो है, ये एटलस लोकल कंपनी है, होंडा इंटरनेशनल कंपनी है, तो इन्होंने मिलकर ज्वाइंट वेंचर किया हुआ। अभी भी रिसेंटली जितनी भी गाड़ियां जो है वो आ रही हैं, मतलब हुंडई वाले जो है उनकी जो है ये निशात वालों के साथ है, ठीक है, इसी तरह से किया वालों की एक और कंपनी के साथ है। मतलब अगेन द थिंग इज कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कंपनी डायरेक्ट उस तरह से ऑपरेट नहीं कर रही, ठीक है। दीवान फारूक वालों की जो है वो BMW वालों के साथ है, तो कोई भी कंपनी डायरेक्ट उस तरह से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही, ठीक है। वहां से चीजें इंपोर्ट होती हैं, यहाँ पे असेंबल होती हैं, जिससे लोकल मामला भी हमारे चलते रहते हैं और ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो है वो जो फॉरनर है उसके भी मामला उस तरह से जो है वो चलते रहते हैं। तो ये लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट कहलाती है कि कुछ ना लोकली होगा, ठीक है, असेंबलिंग लोकली होगी या फिर अगेन द थिंग इसके कोई स्पेसिफिक पार्ट्स है वो लोकली मैन्युफैक्चर होके उसमें जो है वो लगेंगे। अगेन इट कुड वेरी फ्रॉम कि आपने कितने कितना उसको जो है वो लोकली ओरिएंटेड जो है वो करना है, ठीक है। तो ये फिजिकल और वैल्यू टर्म्स में हो सकता है। फिजिकल टर्म्स में लाइक अगेन द थिंग इज के इतने इतना परसेंटेज ऑफ कंटेंट या इतना परसेंटेज ऑफ पार्ट्स जो है वो लोकली होंगे। वैल्यू टर्म्स में ये कि इतना परसेंटेज कॉस्ट जो है उसकी लोकली प्रोड्यूस चीजों से उस तरह से जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आप ये कह सकते हो कि जी ये पार्ट ना आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ये पार्ट आपको यहाँ पे लोकली उस तरह से इस्तेमाल जो है वो करने हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि ये असेंबलिंग लोकली होगी, मतलब आपने एक एक्टिविटी या कुछ पार्ट्स हैं उनको डिफाइन कर दिया कि ये काम लोकली होंगे, बाकी आप काम जो है वो अगेन बाकी चीज़ आप इम्पोर्ट करके यहाँ पे जो है वो अपनी प्रोडक्ट को बेचे। इसी तरह से वैल्यू टर्म में भी हो सकता है। हाँ बुधर सर, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर काम कर रही है कि जो चीजें हमारे मुल्क में महंगी बन रही हैं वो महंगी बनाने की बजाय वो सस्ती बाहर से इंपोर्ट कर ले और वही पैसा जो वो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने पर लगाए। तो इसमें ना अगेन हमारी गवर्नमेंट बेसिकली होता ये है कि गवर्नमेंट का काम डायरेक्टली ये नहीं होता ना। गवर्नमेंट ने क्या करना होता है, गवर्नमेंट ये सब्सिडीज दे देती है, गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक्स दे देती है, ये अल्टीमेटली ना गवर्नमेंट का काम इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होता है ताकि वो इंडस्ट्री क्या करे, वो इंडस्ट्री अपने मामला जो है वो अपने पांव पे खड़ी हो, वो इंडस्ट्री इनोवेशंस करे। हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी इनोवेशन है ना अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो इनोवेशन बढ़ सकती है। अच्छा वहां पे ना वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास फिर क्या है, हमने अपने आप को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और सपोज हम कहते हैं कि हमारी फुटबॉल इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छी है, एक जमाने में हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज जिनको हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में ना ये चीज ना डायकॉटमस है। डायकॉटमस मतलब अगेन इसमें सबसे जो बड़ी एग्जांपल हम लेते हैं ना वो शुगर सेक्टर की लेते हैं। वी नो कि शुगर सेक्टर इज इनएफिशिएंट, ठीक है, लेकिन डिस्पाइट दैट वी आर प्रोटेक्टिंग शुगर सेक्टर। वो क्यों हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज ये है कि वहाँ पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिशियंस की बहुत ज्यादा शुगर कंपनीज है। दूसरी चीज ये है कि हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, अगर अगेन द थिंग इज कि हम शुगर सेक्टर को आउटराइट जो है वो सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो लोकल किसान है, हमारे जो लोकल लोग हैं उनको काफी ज्यादा सारा नुकसान जो है वो होगा। तो अगेन द थिंग इज कि गवर्नमेंट के उधर कंस्ट्रेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, ठीक है, या इंपोर्ट्स कम करे या ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करे जिसमें उनका कंपेटिटिव एज है, जिसमें अगेन द थिंग इज की वैसी चीजें। अब गवर्नमेंट को आप यहाँ पे ना कंट्री को आप ना कंपनी की तरह ले सकते हो कि दुनिया में ना कंपटीशन है कंट्रीज में। अच्छा अब उस कंपटीशन में आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, तो आपकी प्रोडक्ट क्यों बिकेगी जब वो बाकी सबसे अच्छी और सस्ती होगी। तो आपको ऐसे सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। मतलब सिंपली यहाँ पे वही थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो आएगी कि आपका कंट्री अगर कोई चीज बाकी कंट्री से सस्ती या अच्छी कर रहा है तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, वरना आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। अच्छा लेकिन फिर दूसरा ना सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर या लोकल डायनेमिक्स आ जाते हैं। सपोज हम ये जानते हैं कि सपोज हम रॉकेट बनाने लग जाए ना और बहुत अच्छे रॉकेट बनाने लग जाए तो हमारी ना उस चीज की बड़ी डिमांड है दुनिया में,
ठीक है, लेकिन जब हम अपने मुल्क में देखेंगे तो यहाँ पे ना रॉकेट नहीं बन सकते, यहाँ पे हमारे पास जमीनें हैं, तो जमीनों पे ऑब्वियसली बात है कि या तो गन्ना उगेगा या कोई और फसल उगेगी, तो हमें ना ये लोकल चीजों को भी फिर क्या करना होता है, उस तरह से देखना होता है। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी ओरिएंटेशन है सर। ये जो शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज होता है, क्या ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे नहीं एक्सपोर्ट होता, मतलब उसको वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिला हुआ? अच्छा, अब देखो रॉ मटेरियल शुगर इंडस्ट्री में ना होता है शुगर केन, ठीक है। शुगर केन के साथ ना मसला है कि आप शुगर केन को जितना लेट इस्तेमाल करोगे ना, वो गन्ना ना सूख जाता है, ठीक है, एक चीज। दूसरा, शुगर केन को रॉ फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना इटसेल्फ ना, दैट इज वेरी कॉस्टली और डिफिकल्ट। मतलब सपोज मैं अब जहाज भर के गन्ने का तो नहीं भेज सकता, ठीक हो गया। मतलब शुगर केन ऑब्वियसली बात है कि बल्कि आपने देखे होंगे वो ट्रैक्टर ट्रालियों पे गन्ने लाद के लेके जा रहे होते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सपोर्ट करना उस तरह से जो है वो मुश्किल है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है कि आप ना फिर लोकली उसको जो है वो शुगर प्रोड्यूस करें, और शुगर प्रोड्यूस करके आप इसको एक्सपोर्ट करें। अब जब आप शुगर प्रोड्यूस करने बैठते हो तो शुगर आपकी प्रोडक्शन जो है महंगी पड़ती है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर आप उसको बाहर बेचते हो तो आपको जो है नुकसान होता है। तो ये ना डायनेमिक्स हैं, लोकल डायनेमिक्स हैं। अब इसमें भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है। मतलब सपोज हम ना, हमारी 6 मिलियन मैट्रिक टन की कंजम्पशन है और हम ऑन एवरेज 10 मिलियन मैट्रिक टन हर साल बनाते हैं, ठीक है। अब वो 10 मिलियन मैट्रिक टन क्यों हो जाता है? क्योंकि गन्ना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। गन्ना ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है गन्ने के एक्सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती है, और गवर्नमेंट मिलों को कहती है कि आपने इसी प्राइस पर गन्ना लेना है। मतलब यहाँ पे अगेन द थिंग इज कि जो फ्री मार्केट है ना, इकोनॉमिक्स में एक है कॉन्सेप्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट उसमें ना मिनिमल इंटरवेंशन होती है, ऑटोमेटिकली जिस चीज़ की जो वैल्यू है ना वो चीज़ उतने में बिकेगी, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करना बंद कर दे तो क्या होगा? गन्ना उगाना या गन्ना जो है उस तरह से बनाना जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जब ऑब्वियसली बात है लोग गन्ना उगाना बंद कर देंगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद होगी तो उसकी वजह से इम्प्लीकेशन है। तो वहाँ पे ना फ्री मार्केट इकोनॉमी में एवरीथिंग इज ओपन, जिसको जो लगता है ना सही वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बाकी मामला हमारे हैं, हमारे लोकल डायनेमिक्स हैं, माइग्रेरियन इकोनॉमी है, तो इस कॉन्टेक्स में ना हमें फिर काफ़ी ज़्यादा सारी प्रॉब्लम उस तरह से जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हम ऑब्वियसली बात है कि वो हम कंपेटिटिव नहीं है स्पेसिफिकली शुगर सेक्टर में या शुगर में। अब आप इस कॉन्टेक्स में इंडिया की एग्जाम्पल लो, इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने बहुत पहले ना आईटी इंडस्ट्री पे ना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक हो गया। अब वो ऑब्वियसली बात है कि आईटी इंडस्ट्री, इट्स नॉट के इंडिया इज द बेस्ट इन द आईटी, लेकिन इंडिया हमारे मुकाबले में बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, आप जब इंडिया ने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो बेसिकली उन्होंने किस तरह से इन्वेस्ट किया? उन्होंने जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको सब्सिडीज दी, उनको सपोर्ट किया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाहर से कुछ लोग जो है वो अगेन उस तरह से डिस्फोरा इफेक्ट बोलते हैं, और जो लोग बाहर अच्छी कंपनियों में काम शाम कर रहे थे उनको फैसिलिटेट किया कि वो वापस आके बिजनेस शुरू करें। तीसरा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना जो लोकल यूनिवर्सिटीज थी उनमें ना आईटी के जो मामला हैं उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दिया है, या उसमें आईटी के कोर्सेज अच्छे वाले लॉन्च कर दिए। अच्छा, फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैकल्टी अच्छी उस तरह से अरेंज रूंज कर ली। फिर यूनिवर्सिटियों ने क्या किया? वो ऑब्वियसली बात है कि वो चेन है उसी तरह से, यूनिवर्सिटियों ने फिर लिंकेजेस बना लिए, अच्छे प्रोफेसर बाहर से मंगा लिए, उस तरह के काम शाम हो गए। तो इंडिया की इंडस्ट्री ना अपने पाँव पर खड़ी हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, आप हमारे यहाँ अगेन हम हमसाए हैं इंडिया के, तो हम ये काम नहीं कर सके। मतलब हमारी भी आईटी इंडस्ट्री ठीक है, दैट इज ओके, कुछ एक्सपोर्ट्स भी कर रही है, बाकी मामला भी उस तरह से जो चल रहे हैं, लेकिन इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के मुकाबले में वो उस तरह से कुछ नहीं है। तो इट्स अबाउट कि हमारी प्रायोरिटीज, हमारी पॉलिसीज उस तरह से क्या हैं। आप हर दफ़ा सुनेंगे कि जी अच्छा, अब इसका फिर देखो बैकलैश वहाँ पे आया है इंडिया में, मीडिया में रिसेंट जो उन्होंने कानून वगैरह पास किया है उसके कॉन्टेक्स्ट में ना वहाँ के जितना भी पंजाब है ना उनका सिख है स्पेसिफिकली, जो वो क्या कर रहे हैं, वो ना वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये किसानों के खिलाफ है। तो यहाँ पे भी सपोज हम अपना सारा फोकस एक साइड पे डाल देते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं ना शुगर केन इंडस्ट्री को या शुगर इंडस्ट्री को बिल्कुल इससे हाथ उठा लेता हूँ, तो जैसे ही गवर्नमेंट हाथ उठाएगी तो सबसे पहले किसान निकलेंगे, कंपनियों के जो मिले हैं वो बंद होंगी, तो मजदूर निकलेंगे, और ऑब्वियसली बात है पॉलिटिकल प्रेशर अलहदा से। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट हाथ उठाएगी तो इमरान खान के साथ जितने भी शुगर मिल्स के मालकान इसकी गवर्नमेंट में शामिल है वो इससे टूट जाएंगे। तो यहाँ पे ना वो चीज़ें फिर इस तरह से मैनेज मूनेज करनी चाहिए वो पड़ती हैं। तो हमारे यहाँ इनएफिशिएंसीज काफ़ी ज़्यादा सारी हैं, करप्शन काफ़ी ज़्यादा सारा है, तो ये मामला जो है वो इसी तरह से चलता जाता है, ठीक हो क्या? ओके, थैंक यू सर।
वेलकम जी। अच्छा तो हम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे, मतलब बेसिकली आपने अपनी लोकल इंडस्ट्री भी कुछ ना कुछ चलानी है और आपने जो है वो चीज़ें भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या होगा कि लोकल कंटेंट जो है वो आप नेसेसिटेट कर देते हैं कि इतनी एक्टिविटी, इतनी वैल्यू की चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ उस तरह से जो है वो बनेगी, ठीक है। आप फिजिकल रिस्ट्रिक्शन लगाओगे अगर आप एक फिजिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाह रहे हो, मतलब सपोज हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ना टायर इंडस्ट्री है और टायर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे ठीक है यहाँ गाड़ियाँ जो है ना वो बाहर से आएंगी लेकिन टायर वो लोकल इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। तो इसमें अगेन द थिंग इसके क्या होगा कि वो फिजिकल रिक्वायरमेंट हो जाएगी। वैल्यू टर्म में आप ना अगेन उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, उन्हें कहेंगे जो गाड़ी आएगी उसका 20-30% जो वैल्यू है ना वो लोकली पार्ट्स की जो है वो होनी चाहिए। उसमें फिर आप ना किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को नहीं कर रहे होते प्रोटेक्ट, फिर जो इंडस्ट्री अच्छी होती है वो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली उस तरह से प्रोटेक्ट जो है वो हो जाती है, ठीक है। ये डेवलपिंग कंट्रीज में ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा सारा इस्तेमाल होता है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, क्यों, ऑब्वियसली बात है वी वांट टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग, वी वांट टू प्रोटेक्ट जॉब्स इन लोकल इंडस्ट्री, ठीक है। अगेन ऑब्जेक्टिव ना इसके वही है कि आपने इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट क्यों करना है, ताकि लोकल इंडस्ट्री बच जाए और ताकि आपकी जॉब्स जो है वो जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट है वो भी उस तरह से जो है वो बच जाए। अब इसका फ़ायदा किसको होता है, ऑब्वियसली बात है कि पुत्र इसका फ़ायदा प्रोड्यूसर को ज़्यादा होता है और कंज्यूमर को कम होता है। मतलब जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं दे रिमेन इन द गेम, वो बिजनेस में रहते हैं, उनके बिजनेस बंद नहीं होते। कंज्यूमर को क्या नुकसान होता है, मतलब डेफिनेटली अगेन हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई ही इस वजह से होती है क्योंकि हमारी लोकल प्रोडक्ट्स या तो महंगी होती हैं या लोकल प्रोडक्ट्स हमारी जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। अगर सपोज हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्ट्स बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो तो एवरीबडी वुड कम हेयर और हर बंदा यही कहेगा वो फिर कहीं और से क्यों लेके आएंगे, वो यही प्रोडक्ट जो है हमारी इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो कंज्यूमर को है नुकसान होता है क्योंकि महंगी चीज़ें लग रही होती हैं तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है, सब मतलब कम क्वालिटी की चीज़ें उस तरह से बन रही होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मामला जो है वो हमारे काफ़ी ज़्यादा सारे ख़राब होते हैं। मतलब ओवर द टाइम इसमें ना मेहरान, हम कहते हैं कि मेहरान जो है दैट इज़ वेरी गुड कार, हालांकि मेहरान में अगेन वो एक डब्बे पे उन्होंने पहिए लगा के छोड़ा हुआ, उसमें कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है, कुछ नहीं है। मेहरान यहाँ पे ज़्यादा चलती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना लोकल पार्ट्स बन जाते हैं उसके, ठीक है, उसके लोकल पार्ट्स बहुत ज़्यादा लाइक सस्ते हैं अगेन, ठीक है। लेकिन मेहरान की क्वालिटी वाइज मेहरान इज़ द वर्स्ट कार, तो लोग जो है वो मेहरान को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि अगेन द थिंग इज़ के मेहरान की लोकल पार्ट्स है, मेहरान सस्ती है, ठीक हो गया। अगर आप रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दें तो बाकी इंटरनेशनल गाड़ियाँ भी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा सारी, और अगेन कंज्यूमर वुड गेट ए बेटर प्रोडक्ट विद इन द सेम प्राइस रेंज, ठीक हो गया पुत्र। सर चाइना ने भी इसी तरह से किया था कि चाइना ने देखा कि ज्यादातर लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं गाड़ियां और हमारी जो हमारा जो करेंसी है वो बाहर जा रही है, तो उन्होंने सर्कुलेशन जो मनी किया वो अपने मुल्क में रखने के लिए गाड़ी बनाई और सबसे पहले उनके सदर ने वो चलाई और उसके बाद जो है ना वो इम्पोर्ट करना मतलब इम्पोर्ट कम हो गई गाड़ियां बाहर से और उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री को ही फ्लरिश किया। उधर ही ना इंडिया में भी होता रहा है, मतलब इंडिया में आपको ना वो आप अगर पुरानी मूवीज देखते हो ना तो उसमें भी एक डड्डू सी कार होती है, मारुति है उनकी ना, मारुति सुजुकी, तो उसमें भी अगेन उनकी जो लोकल इंडस्ट्री थी ना वो मारुति सुजुकी मतलब वो बेसिकली सुजुकी वाले उनको लोकली मैन्युफैक्चर करके देते थे और गवर्नमेंट के जितने भी इदारे थे वो वही गाड़ी उस तरह से जो है वो चलाते थे, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है कि सारे के सारे मामला ना चलते इसी तरह से हैं, ठीक है, मतलब आपने अपनी लोकल इंडस्ट्री को देखना है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री को देखना है, लोकल इकोनॉमी को देखना है। चाइना में स्पेसिफिकली है ये कि चाइना ओवर द टाइम ना वोकेशनल्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। मतलब हम सपोज मैं पाकिस्तान में मैं आज कहूँ ना कि जी मैं जी गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दूंगा तो वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी, ठीक है, हम अच्छे हमारे पास मैकेनिक नहीं है, तो चाइना ने सबसे पहले अच्छे मैकेनिक किए शुरू, मतलब उन्होंने ना ये PhD MPhil अगेन जो हायर डिग्रीज है इनकी जगह उन्होंने जो वोकेशनल जो टेक्निकल डिग्रीज है उनका इजरा किया, और ऑब्वियस सी बात है कि उनके वहाँ पे वोकेशनल्स या ट्रेनिंग या अगेन स्किल लेवल इज वेरी हाई, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर नाउ दे कैन मेक एवरीथिंग, ठीक है। तो ये भी अगेन उनकी ना एक लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, 1980s से पहले दे वर नॉट दैट गुड, उनकी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जो कुछ प्रोड्यूस करते थे वो अपने लिए ही करते थे, बाहर से ना इम्पोर्ट होती थी ना एक्सपोर्ट होती थी। ओवर द टाइम उन्होंने वोकेशनल बिल्ड की है, अपनी इकोनॉमी को जो है उन्होंने ओपन अप किया और वो 20-25-30 साल में दे आर वेरी गुड, ठीक है, और अगले 20-25 साल में अगेन अमेरिका को उनसे जो है वो थ्रेट है। तो इट्स अबाउट दैट कि आप ना अपनी क्या चीज़ किस चीज़ पे फोकस करते हो, कोई कंपेटिटिव एज बनाते हो और उस कंपेटिटिव एज पे फिर काम करके ना अपनी चीज़ें किसी ना किसी तरह से अपने मामलात को एक्सपोर्ट्स की सूरत में लेके जाते हैं, ठीक हो गया।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा पुत्र है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में सिंपली ये है कि मतलब यू पीपल नो, ये जिस तरह से हम कहते हैं ना कि सरकारी मामला, तो अगर आप किसी तरह से जो इम्पोर्ट के सरकारी मामला हैं उनको टफ कर दो, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैं सपोज हम कहते हैं कि हम ना यहाँ पे सपोज यूएई में ना, यूएई में सपोज रूल्स हैं कि जी लेबर यहाँ से जाती है तो यूएई लेबर को इम्पोर्ट करता है। आजकल के दिनों में अगर मैं कहूँगा जी कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो भी बंदा आएगा वो इतने दिन पहले टेस्ट करा के आएगा, अब वो ये ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, इससे क्या होगा, इससे लोग आने में डिस्करेज होंगे, ठीक है। इसके अलावा सपोज हम कहते हैं कि जी हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ना मतलब हमें ये लगता है कि कोई बंदा ना यहाँ पे टाइम बम भेज देगा, तो टाइम बम जब भेजेगा तो हम कहेंगे कि टाइम बम दो तीन दिन ना हम पोर्ट पे ही ना जहाज को खड़ा करके रखें, ठीक है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, डिले होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो जो एक्सपोर्टर है, जो बंदा हमें चीज़ें भेज रहा है, वो इरिटेट होगा, वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा ही। ये बेसिकली जापान की इन्वेंशन है, ठीक है। अब ये अगेन क्या होता है, इससे इसमें हम करते ही हैं कि इसमें एक तो हम अननेसेसरी डिले रखते हैं मामलात में, ठीक है। उसके बाद ना डैमेज हो, हम चीज़ों को खोल के देखते हैं या चीज़ें किसी तरह से डैमेज हो जाती हैं उस प्रोसेस में, तो वो भी इसका पार्ट उस तरह से जो है हुआ। मतलब जापान का ना आपकी बुक में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य लिखा हुआ है, दुनिया में ना ट्यूलिप जो है ना, ट्यूलिप फ्लावर, ये ना यूरोप से आता है मोस्टली। अब ट्यूलिप के ना बल्ब होते हैं, ठीक है, और वो बल्ब ही बेसिकली ट्यूलिप का ना अगेन थिंग इसके, दैट इज द मेन थिंग जो कि उस तरह से जो है वो चलती है। अब जापान में देयर वाज अ रिक्वायरमेंट के जो भी चीज आएगी ना उसको खोल के देखा जाएगा, तो वो क्या करते थे, वो ना कटर से ना वो ट्यूलिप के बल्ब को काट के देखते थे कि इसके अंदर तो कुछ नहीं है। अब उससे क्या होता था, वो ट्यूलिप डैमेज हो जाता था, और वो ऑब्वियसली बात है कि वो मतलब डैमेज हो गया तो बिल्कुल ही फारग हो गया ना। तो अगेन द थिंग इज के वहां पे फिर जापान में ट्यूलिप्स आते ही नहीं थे, या लोग भेजते ही नहीं थे, या लोग मंगवाते ही नहीं थे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में यू कैन डिले द थिंग्स, आपके अगर प्रोसेस ऐसे हैं जिससे चीजों के डैमेज होने का खतरा है तो ये भी आप जो है वो अगेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मैं सपोज मैं कहता हूँ कि मैं ना पाकिस्तान में जी रिक्वायरमेंट है कि ना 4 दिन चीजें ना गोदाम में रहेंगी, या 5-6 दिन ना चीजें बॉर्डर पे रहेंगी, 5-6 दिन मतलब अगेन द थिंग इज उन्होंने कुछ दिन सपोज यहाँ पे ना चीजें ना इस्लामाबाद से जी अप्रूवल होके आएगी। अब क्या होगा, जी चीजें आई, इंस्पेक्शन हुई, उनकी एक रिपोर्ट बनी, वो रिपोर्ट गई, वो इस्लामाबाद गई, इस्लामाबाद वालों ने देखा अच्छा ये हमें चीजें चाहिए या चीजें नहीं चाहिए, उन्होंने रिपोर्ट को ओके किया, ओके करके वापस भेजा, ठीक है। अब इस काम में 3-4-5-6 दिन लग गए, और सपोज हमने जो चीज इम्पोर्ट की थी वो टमाटर थे, तो क्या होगा 4-5-6 दिन में, अब वैसी बात है कि जो भी ये टमाटर वगैरह है ये गल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिले थिंग्स, वी कैन डैमेज द थिंग्स अगेन, और इन डिले से ना आपकी जो है वो इम्पोर्ट्स का फ्लो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। इसमें भी अगेन वही चीज़ है कि प्रोड्यूसर को पुत्र जो है वो इससे फायदा हो रहा होता है, लोकल प्रोड्यूसर को, ठीक है, क्योंकि बाहर से टमाटर नहीं आएंगे, ठीक है, तो लोकल टमाटर महंगे हो जाएंगे, ठीक है, और कंज्यूमर को नुकसान हो रहा होता है, इम्पोर्ट अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि लोकल चीज़ें कम क्वालिटी वाली महंगी हम उस तरह से जो है वो दे रहे हैं। जो उन्होंने ट्यूलिप बल्ब्स को जाया किया या इस तरह से किया, तो वो उन्होंने इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए किया ऐसा? उधर ऑब्वियसली बात, देखो अगेन ये ना एक एग्जांपल है, इट्स नॉट के दे इंटेंशनली वांटेड इट, ठीक है, लेकिन उनकी ना पॉलिसी थी कि जो चीज आएगी वो ना खोल के हम चेक करेंगे, अब वो ट्यूलिप भी खोल के चेक करते थे, ठीक है। तो इट इज एन एग्जाम्पल के जिससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली वी कैन सम हाउ रिस्ट्रिक्ट सम इंपोर्ट्स, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान में इस तरह से आजकल चला हुआ है जी कि जो कैट फूड जो है महंगी है, ठीक है, तो आप अगेन क्या करें, वो उनकी क्वालिटी को किसी तरह से चेक करके वो चीज़ें डैमेज हो जाए, ये तो ऑब्वियसली बात है नहीं चलेगा मामला। आपके यहाँ चीज़ इंपोर्ट होता है बाहर से काफ़ी ज़्यादा सारा, ठीक है, तो चीज़ कॉन्टेक्स्ट में क्या है वो आप अगर सपोज वो बंदरगाह पे लगा रहे, या अगेन मैं कहता हूँ कि चीज़ आएगा तो चीज़ की पहले प्रॉपर ना इंस्पेक्शन होगी, कौन करेगी जी, फूड अथॉरिटी करेगी। अब फूड चीज़ आया, हमने रिपोर्ट किया, फूड अथॉरिटी वाले जी जिसने आना था वो बंदा छुट्टी पे है, ठीक है, वो कब आएगा जी, वो तो जी मतलब आएगा 10 दिन बाद। अब वो सपोज चीज़ वालों ने क्या किया, उन्होंने कोई चिलर करा लिया, अब वो चिलर की एडिशनल कॉस्ट है, अब इट्स नॉट क्या यू ऑलवेज डैमेज द थिंग्स, या चीज़ें हमेशा ख़राब ही होती हैं। अब वो क्या होगा, आपने जो डिले किया तो डिले करके उस, अगर आपने चीज़ को जो है प्रोटेक्ट करना है तो आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो आप उसको जो है वो कोल्ड स्टोरेज में रखवाएंगे, उसकी आपको कॉस्ट पड़ेगी, चिक चिक जो है वो खरी होगी, तो फिर लोग भेजते नहीं। तो इट्स नॉट ओनली दैट थिंग कि आप चीज़ें डैमेज कर रहे हैं, इट्स आल्सो कि डिले कर रहे हैं चीज़ें।
प्रोसीजरल डिलेज हैं, आपका ब्यूरोक्रेसी जो है उसके बड़ी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं बड़ी जगह से, आपके यहाँ पे करप्शन बहुत सारी है, ठीक है, जिसकी वजह से आप उसको भी पैसे लगाएंगे, उसके भी पैसे लगाएंगे, उसके पैसे लगाएंगे, उसके पैसे लगाएंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि आपके मामला जो है वो काफी ज्यादा सारे खराब हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट जो पुत्र हमारा है टेक्निक या टूल, दैट इज कॉल्ड एंटी डंपिंग पॉलिसी। अब डंपिंग बेसिकली ना एक है प्रैक्टिस है, इसमें सपोज मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ना हम शुगर काफी ज्यादा सारी बना लेते हैं, अब हम जब शुगर काफी ज्यादा सारी बना लेते हैं तो शुगर ऑब्वियसली बात है कि यूं तो ना कि हम दरिया में फेंक दें कि पानी हमारे यहाँ पे मीठे दरिया बहे, हमने क्या करना होता है, हमने उस शुगर को कहीं ना कहीं भेजना होता है बाहर के मुल्क में। अच्छा, हम ना कोई एक स्पेसिफिक मुल्क टारगेट करें, सपोज हम कहते हैं हम ना टारगेट करें अफगानिस्तान को, ठीक है, अफगानिस्तान में जो लोग जो शुगर आ रही है या जो शुगर के इम्पोर्टर्स हैं वो वहाँ शुगर ना 70 रुपये बेच रहे हैं, हमें कोई शुगर ना पड़ रही है 80 रुपये हमारी मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, लेकिन हमारी एक्सेस प्रोडक्शन है तो हम ना 60 रुपये में वहाँ शुगर बेचनी शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उससे क्या होगा, उससे शॉर्ट रन में ना वहाँ के लोकल लोगों को, कंज्यूमर को फायदा होगा काफी ज्यादा। जब शॉर्ट रन में फायदा होगा तो वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, लोकल इम्पोर्टर हैं, उनको नुकसान होगा। ऑब्वियसली बात है कि हम क्या कर रहे होंगे, हम उनकी कॉस्ट प्राइस या वहां पे जो कॉस्ट पड़ती है उससे सस्ती में चीजें वहां पे जो है वो बेच रहे होंगे। आज आप 6 महीने साल 2 साल में क्या होगा, वहां का लोकल बिजनेस ना बंद हो जाएगा। तो जब वहां का लोकल प्रोड्यूसर या लोकल बिजनेस बंद हो जाएगा तो हम जो है क्या करेंगे, वहां प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो इसको हम ना डंपिंग बोलते हैं कि बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डंपिंग आवर एक्सेस प्रोडक्शन इन सम कंट्री, ठीक है, एट लोअर बिलो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब जितनी उस चीज की प्राइस होनी चाहिए ना हम उससे भी कम पे जाके बेच रहे हैं, चाहे हमें उससे नुकसान हो रहा है। उससे क्या होता है, उससे होता है कि हमारी एक्सेस प्रोडक्शन वहां पे डंप हो जाती है और ऑब्वियसली बात है कि हम जो है बड़े सुकून से अपने मामला जो है वो चला लेते हैं और इन द लॉन्ग रन हमें वो मार्किट मिल जाती है, ठीक है। तो डंपिंग क्यों इस्तेमाल होती है, डंपिंग इज यूज टू गेन मार्किट एंट्री, ठीक है, और जब हम मार्केट में एंटर हो जाते हैं तो बट इट डज इट ड्राइव लोकल फार्म आउट ऑफ बिजनेस, मतलब ये लोकल कंपनी को बंद कर देती है नुकसानात की वजह से, और अल्टीमेटली फिर आप क्या करते हो, आप फिर प्राइसेस बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, हाँ, मतलब आपकी ना उस मार्केट पे जारादारी हो जाती है। अच्छा, अब जनरली जितनी भी हमारी पॉलिसीज है ना इसमें सिर्फ ये एंटी डंपिंग पॉलिसी ऐसी है जिससे लोकल जो है ना कंज्यूमर उसको थोड़ा फायदा होता है, फायदा भी इन द लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन में अगर मैं डंपिंग कर रहे दूं ना किसी भी कंट्री को तो शॉर्ट रन में आपको अगेन कंज्यूमर बड़ा खुश होता है कि ये चीजें सस्ती मिलती है, लेकिन लॉन्ग रन में फिर उसको वही चीजें महंगी खरीदनी पड़ती है, ठीक है। तो ओनली जितनी भी हमने पॉलिसीज पढ़ी हैं, जितने भी हमने मामला पढ़े हैं, जो WTO या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो सिर्फ डंपिंग, एंटी डंपिंग की फेवर में है, बाकी वो कहती है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोटा, टैरिफ या बाकी जो आपकी कॉम्पिटिटिव रिस्ट्रिक्शन है ये नहीं होनी चाहिए। और वो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो नहीं होती तो लोकल कंज्यूमर को बड़ा फायदा होता है, ठीक है। लेकिन डंपिंग में फिर आप ना यू के, अगर आपको लगता है कि सपोज कोई कंट्री है लाइक इंडिया ना अपने यहाँ पे डंप कर रहा है चीजें, ठीक है, तो उस सूरत में फिर आप क्या करते हैं, आप ना एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा देते हैं, ठीक है, या आप एंटी डंपिंग पॉलिसीज लगा देते हैं, आप अगेन आप वहां पे रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, कोटा लगा सकते हैं, आप टैरिफ भी उस तरह से कर सकते हैं, आप लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडीज भी दे सकते हैं ताकि वो 2-3-4 साल निकाल दे और जो डंपिंग वाला कंट्री है वो तंग आके, क्योंकि नुकसान हो रहा होता है, वो तंग आके डंपिंग की प्रैक्टिस उस तरह से बंद कर दे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ना ये सारी की सारी काउंटरवेलिंग ड्यूटीज या एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ये उस तरह से लगाते हैं ताकि मामला जो है वो अगेन हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है वो कोई दूसरा कंट्री जानबूझ के तबाह ना करे, ठीक हो गया। तो ये एंटी डंपिंग पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इट इज अ सेम थिंग, ये चीज एक अच्छी है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारी कंपेटिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी चीजों पे बड़ा लोगों को इतराज होता है कि ये चीजें लोकल इंडस्ट्री में इनएफिशिएंसी को क्या करती है, प्रमोट करती है, ठीक हो गया। पता यहां तक अगर किसी को कोई इशू है तो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आप शेयर करना चाहते हैं, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। सर, जिस कंट्री में डंपिंग कर रहे हैं हम, उधर की गवर्नमेंट या फिर जो लोग हैं वो इस तरह, मतलब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर सकती है आप पे डंपिंग को खत्म करने के लिए, आपकी मोनोपोली को खत्म करने के लिए, ताकि उनकी लोकल मार्केट खराब ना हो।
डंपिंग जस्ट लाइक देखो सपोज हमारे पाकिस्तान में सपोज ना इंडिया कोई चीज डंप कर रहा है, अच्छा पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा से ना टैरिफ कोटा सब्सिडीज ये इस्तेमाल कर सकती है उसके खिलाफ, ठीक है, तो उसको हम क्या बस एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटीज उस तरह से जो है कह देते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो ज्यूरिस्डिक्शन है ना, मतलब पाकिस्तान का जो ज्योग्राफिकल पाकिस्तान का जहाँ पे होल्ड है उसके अंदर जनरली पाकिस्तान हैज द राइट कि पाकिस्तान अपनी ट्रेड पॉलिसी को कैसे लेके चलता है, ठीक है। लेकिन साथ ही सब मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी इंडिया से कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा जब मैं कहूंगा इंडिया से कोई चीज नहीं आएगी तो इंडिया भी कह सकता है कि पाकिस्तान से कोई चीज नहीं आएगी, तो अगेन द थिंग इज फिर वो ट्रेड वार शुरू हो जाती है। मेरे से अमेरिका अमेरिका चाइना की चल रही है ना, कि अमेरिका ने कहा कि जी चाइना से कोई चीज नहीं आएगी, या जो कंपनियां चाइना में जाएंगी उनको मैं उस तरह से सपोर्ट नहीं करूंगा, और चाइनीज कंपनीज पे हम ना बैन लगा देंगे, ठीक हो गया। चाइना ने भी कहा कि ठीक है तुम्हारा बैन तो हमारा भी बैन, तो वो मामला उस तरह से है। तो हर गवर्नमेंट ने अपने मामला को उसी तरह से लेके चलना होता है, तो आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं कर सकते। आपके पास WTO का फोरम है, आप वहां पे जाएं, आप कहेंगे जी हमारे यहाँ पे डंपिंग हो रही है तो हम उस डंपिंग को रोकने के लिए ड्यूटी लगा रहे हैं, उस पर एवरीबडी वुड बी एग्री कि ठीक है आपको डंपिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी या ये मामला उस तरह से लगाने चाहिए। तो कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे के सारे मामला कर सकती है। ओके सर, जी सर, चलें, दैट्स वेरी गुड। अच्छा मतलब अब अगेन हमने ना पढ़ा कि गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो होती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कुछ कंट्रीज में काफी ज्यादा सारी है और कुछ कंट्रीज में रिलेटिवली थोड़ी कम है, लेकिन इंटरवेंशन होती ही होती है, ठीक हो गया। लाइक आप रिसेंटली अमेरिका जाना है कॉन्टेक्स्ट में देख लें, आप इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो देख लें, ठीक है, तो इंटरवेंशन गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही होती है वन वे और द अदर, ठीक है, अपने मामला को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा अब वो कौन से पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, ठीक है। पहली चीज है ऑब्वियसली बात है कि वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर जॉब एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट ना ट्रंप ने काफी ज्यादा सारा इस्तेमाल किया, ठीक है, उसने कहा कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम यहाँ पे लोकल जॉब्स को प्रोटेक्ट करेंगे और जो बाहर की कंपनीज हैं वो जॉब्स लेके जा रही हैं हमसे, तो हम लोकल जॉब्स को, लोकल एम्प्लॉयमेंट को, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, और उससे वहां पे काफी ज्यादा सारा फायदा भी उस तरह से है वो हुआ। मैं ये आर्ग्यूमेंट हम काफी ज्यादा सारा डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली बात है नेशनल सिक्योरिटी या हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है। देखो अगेन सपोज मैं कहता हूँ पाकिस्तान को ना पाकिस्तान को जहाज चाहिए, ठीक है, अब जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना इसको आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, ठीक है, मैं ये नहीं कर सकते आप गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट कह के जी हम सोए हुए तुम लोग जब जहाज बना लो ना तो दे तो बता देना, या हम सोए हुए हम ना इंडिया की कंपनी से जहाज खरीद लेंगे, ये नहीं होगा। तो अगेन द थिंग इज कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के मामला होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की फिर इंटरवेंशन होती है, और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है, अमेरिका की जितने भी कंपनीज हैं ये जो स्पेसिफिकली स्पेस टेक्नोलॉजी और ये जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है उनको गवर्नमेंट फंड करती है ताकि वो इनोवेशन करें, चीज़ें प्रोड्यूस करें, और फिर गवर्नमेंट खरीद लेती है, फिर लाइक जब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो वो कंपनियाँ दूसरी गवर्नमेंट्स को भी बेचना शुरू कर देती है। मैं सपोज मैं कहता हूँ जी कि पाकिस्तान ने ना एक बहुत अच्छा जहाज बना लिया जैसा जहाज ना दुनिया में किसी के पास नहीं, अब पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो जहाज या वो टेक्नोलॉजी कभी भी ना इंडिया के पास ना जाए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने वो जहाज बनाया भी है रिसेंटली चाइना के साथ मिलकर, तो पाकिस्तान उस जहाज को बेचना चाहेगा फ्रेंडली कंट्रीज को, लाइक सऊदी अरब को बेचेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान तुर्की को बेचेगा वो जहाज, मतलब जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और या पाकिस्तान की सरहद बहुत दूर है या पाकिस्तान के दुश्मनों से खराब ताल्लुकात है, पाकिस्तान उनको बेचेगा, ठीक है। तो चाहे मैं एक प्राइवेटाइज कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक चीज बना भी ली है, मैं उसको बेचना भी चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान ना कभी भी डिफेंस इंडस्ट्री अपनी जो है वो इंडिया के लिए ओपन नहीं करेगा, सेम इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं करेगा, क्योंकि सर ये एक दूसरे के बेस इसको यूज कर सकते हैं अगर इन्हें फंक्शन का पता चल जाए। उधर आपको से बताएगा ना, सपोज मैं कहता हूँ मैं ना इंडिया की एक कंपनी से जहाज खरीदता हूँ, अब ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया चाहेगा कि उसकी कंपनी हमें जहाज बेचे कभी भी नहीं। दूसरा ये भी हो सकता है ना कि इंडिया की कंपनी हमें वो जहाज दे ही ना, यहाँ पे जहाज लैंड करे और जहाज खिलर जाए,
ठीक है जी. क्या वो जहाज, अगेन द थिंग इज इंडिया जो है ना वो उन जहाजों में कोई ऐसी चीज फिट कर दे कि वो अगेन इंडिया के जहाजों के खिलाफ चले ना. तो जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी आती है ना, डिफेंस इंडस्ट्री है, यहाँ पे ना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन काफी ज्यादा सारी होती है. ठीक है, तो अमेरिका में यही है. अमेरिका प्राइमरली क्या करता है, प्राइवेट इंडस्ट्री को फंड किया जाता है, वो इनोवेट करते हैं और वो चीजें फिर अमेरिका अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करता है. और शुरू में अमेरिका वो चीजें नहीं बेचता. लाइक अभी तक ना इंडिया F-16 बेच रहा है और इंडिया अब F-16 इस्तेमाल नहीं करता. ठीक हो गया, इंडिया के पास उससे बहुत ज्यादा एडवांस जो जहाज है, एडवांस टेक्नोलॉजी उस तरह से है, वो उस तरह से अवेलेबल हो चुकी हुई है. ठीक हो गया सर, मतलब जो जो एक्सपोर्ट कर रहा चीज उसको खुद नहीं यूज कर रहा, वो पुरानी होगी ना. मतलब देखो मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि मेरे पास जो जहाज है ना वो सबसे अच्छा हो. ठीक है, तो मैं जहाज बनाया, मैंने प्राइवेट कंपनियों को पैसे दिए कि जी जहाज बनाओ, उन्होंने जहाज बना दिया, वो जहाज मैंने ले लिया. अब वो कंपनी चाहेगी, देखो प्राइवेट कंपनी उसने प्रॉफिट कमाना है, तो वो कंपनी चाहेगी कि वो इंडिया को भी बेचे, लेकिन पाकिस्तान कहेगा कि नहीं वहां पे नहीं बेचने तुमने. ठीक है, तो वहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन काफी ज्यादा है क्योंकि वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर डिफेंस सिस्टम. ठीक हो गया, तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये, देयर आर सर्टेन इंडस्ट्री, मतलब ये अगेन एक कुछ लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट का होना ही नहीं चाहिए, रोल ही नहीं होना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए. अब ये वो आर्ग्यूमेंट है कि जिनकी बेस पे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. अगर हमारी डिफेंस इंडस्ट्री खुली होगी तो चीजें बिकेंगी, इंडिया के पास भी होंगी. अब इंडिया के पास भी सेम हथियार है, हमारे पास भी सेम हथियार है. उनके, हमारे पास भी गोरी मिसाइल है, उनके पास भी गोरी मिसाइल है, फिर की होगा, कोई फायदा नहीं होगा ना. नेक्स्ट इज रिटेलिएशन. क्या वो बोला, अच्छा कंटिन्यू कर सर आप. अच्छा बोलो, नेक्स्ट इज रिटेलिएशन. अब ऑब्वियसली बात है कि सपोज मैं कहता हूँ कि ना ये रिटेलिएशन ना रिसेंट अगेन अमेरिका चाइना के कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा सारा आया है कि आप ना सपोज, अगर सपोज मैं कहूँ कि ना एक कंट्री है जो कि ना सपोज मैं कहता हूँ ईरान जो है ना, ईरान से पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, किसी वजह से पाकिस्तान को पता लगा कि पाकिस्तान जो है ना, ईरान ना पाकिस्तान में जो है वो टेररिज्म करा रहा है, या ईरान जो है पाकिस्तान में टेररिज्म को फंड कर रहा है. ठीक हो गया, तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान और ईरान की जो अंडरग्राउंड वार चल रही है ना ट्रेड, पाकिस्तान से बंद कर दे, तो आप अपने मफादात के लिए रिटेलिएट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ट्रेड पॉलिसी को. ठीक है, कि आपका कोई कंट्री आपकी बात नहीं मान रहा, या कोई कंट्री आपके मामला को उस तरह से जो है वो नहीं चलने दे रहा, तो आप ना उस कंट्री से अपनी ट्रेड खत्म कर दें. लेकिन जब आप खत्म करेंगे तो वो भी खत्म कर देंगे. ठीक हो गया, तो रिटेलिएशन जो है ना, मतलब आप जब इंटेंशनली किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के अगेंस्ट मूव करते हैं, ठीक है, तो इससे ट्रेड वार शुरू हो सकती है जो कि अमेरिका और चाइना के दरमियान हुई है. लेकिन अगेन रिटेलिएशन, वहां पे अमेरिका को ये लगता है कि रिटेलिएशन वाज नेसेसरी, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी हद से बढ़ रहा था, तो उन्होंने रिटेलिएट किया. उससे फिर अगेन चाइना ने कहा कि चलो ठीक है फिर रिटेलिएशन, तो हम जो है वो ट्रेड वार में चले जाते हैं. तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जब आपके छोटे कंट्रीज अपनी हद से निकल रहे हो, ठीक है, आपको उनसे थ्रेटन फील आप कर रहे हो किसी भी कॉन्टेक्स में, डिफेंस में या किसी भी कॉन्टेक्स में, तो आप ना रिटेलिएट कर सकते हैं थ्रू ट्रेड पॉलिसीज. ठीक है, लेकिन इसका फिर खतरा ये होता है कि इससे ट्रेड वार क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, शुरू हो सकती है. ठीक हो गया, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स. तो ऑब्वियसली बात है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ना मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में अफीम जो थी ना वो इम्पोर्ट होती थी अफगानिस्तान से. ठीक है, पाकिस्तान में टोबैको जो है ना वो बाहर से इम्पोर्ट होता है. ठीक हो गया, तो इसके अलावा भी देयर कुड बी सो मेनी अनसेफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो अगर हम हर चीज खुली छोड़ देंगे तो क्या होगा, अनसेफ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आगे बिकनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, अब उससे भी हम बचने के लिए ना, अपने कंज्यूमर को बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम रिटेलिएट करते हैं. ठीक हो गया, हम जो है वो ट्रेड पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं. मतलब गवर्नमेंट इज वॉचिंग कि कौन सी प्रोडक्ट सेफ है, कौन सी प्रोडक्ट सेफ नहीं है, कौन सी प्रोडक्ट हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है, कौन सी प्रोडक्ट हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर क्या होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम अनसेफ प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज फर्दरिंग फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव.
लाइक अगेन दुनिया में ना ईरान का केस इज ए वेरी प्रोमिनेंट वन, या को जनूबी कोरिया का जो है वो केस, कोरिया का केस प्रोमिनेंट वन है, जिन पे ना ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब ये आइसोलेटेड कंट्रीज है, इनसे ना कोई, इनसे ना ऑफिशियली लेन देन कंट्रीज का नहीं होता। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि सपोज अगर मैं कहता हूँ मेरे फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में है कि मैंने एक कंट्री को फोर्स करना है, ठीक है, तो मैं ट्रेड पॉलिसी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक मैं फोर्स करना चाहते हैं वेस्टर्न गवर्नमेंट्स फोर्स करना चाहती हैं ईरान को कि वो अपना एटॉमिक प्रोग्राम जो है वो छोड़ दे, इसी तरह से कोरिया को भी वो फोर्स करना चाहती हैं कि वो जो हथियार वगैरह बना रहे हैं वो बंद करते हैं बनाने। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने फॉरेन पॉलिसी के कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो आपकी ट्रेड पॉलिसी उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अगेन द थिंग इज कि यू नीड टू बी पावरफुल। जैसे बोलते अगर पाकिस्तान पावरफुल है, पाकिस्तान कोई ऐसी चीज बनाता है जो कि ना सपोज इंडिया को चाहिए और इंडिया को वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान अगेन द थिंग इज कि अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो चीज ना इंडिया को देना बंद कर देगा। ठीक है, तो अगेन द थिंग इज कि इंडिया वुड बी फोर्स टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। अगेन द थिंग इज कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है समटाइम्स। सपोज मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ना एक जमाने में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी ना वो ऐसी इंडस्ट्रीज में होती थी जो कि अगेन अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं थी, जहाँ पे चाइल्ड लेबर होती थी, जहाँ पे कम पैसों में ज्यादा काम लिया जाता था, जहाँ पे लोगों पे जुल्म होता था, वर्किंग कंडीशंस भी सही नहीं थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, गवर्नमेंट्स फिर ऐसी फिर बैन कर सकती हैं काम, फिर आपने यहाँ से चीजें नहीं खरीदनी या यहाँ आपने उस तरह से ऑर्डर नहीं देने, क्योंकि वो कंट्री, उस कंट्री में ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो काफी ज्यादा सारी जो है वो हो रही है। लास्ट इज प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। मतलब सपोज अगर आप अनसेफ अनहेल्दी पॉलिसीज इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, जिससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होती है, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट फिर भी इंटरवीन करके कह सकती है कि ये आपने उस कंट्री से ये प्रोडक्ट नहीं मंगानी क्योंकि इससे पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये जी पोलिटिकल आर्गूमेंट है। सर एप्पल कंपनी जो है होनहाई कंपनी से अपने पार्ट्स असेंबल मतलब वो लेती है। किस कंपनी से? होनहाई। जरा मुझे स्पेसिफिक नहीं पता कौन कौन से कंट्रीज से उस तरह से यहाँ पार्ट्स लेती हैं, लेकिन अगेन एप्पल वाले जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीज से उस तरह से लेते हैं। मतलब पिछली जो स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर की थी ना फर्स्ट वन, उसमें एप्पल वालों की भी वो जो थी ना लाइक एप्पल वालों का भी वो था सारे का सारा। सर ये बात बड़ी मशहूर है कि एप्पल कंपनी जो है ना वो पार्ट्स लेती है, मतलब उसे सस्ते पड़ते हैं उस कंपनी से, लेकिन वो कंपनी जो है ना वो मजदूरों के साथ उसका बिहेवियर नहीं ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। ये ना पुरानी बात होगी, चाइना की कंपनी थी, आई गेस फॉक्सॉन नाम था उसका, फॉक्सॉन या फॉक्सॉन एफ से उसका नाम शुरू से जब होता था। ठीक है, तो वो चाइना बाकी उससे पार्ट्स या उससे ना असेंबली वहां पे होती थी इनके प्रोडक्ट की, लेकिन वो बात पुरानी हो गई है। अब वो अगेन द थिंग इज कि उन्होंने अपने मामला में ख्याल ठीक कर लिए थे। नाइकी पे बड़ा था एक जमाने में, मतलब जब ये नई नई हुई नहीं शुरू हुई थी ना आउटसोर्सिंग, ठीक है, ये नाइन्टीज एटीज में उस टाइम पे ना ये काफी ज्यादा सारा मसला था। ठीक है, अब ओवर द टाइम मामला ठीक हो गया। मतलब सपोज पाकिस्तान की जो लोकल कंपनियां भेज रही है ना बाहर, फुटबॉल भी भेज रही है, तो दे आर रिक्वायर्ड कि उन्होंने चाइल्ड लेबर इस्तेमाल नहीं करनी और उनके लोग आके यहाँ पे चेक भी करते हैं। ठीक है, okay, ये अगेन ये होता है, मतलब अगेन द थिंग इज कि चाइना, ये स्पेसिफिक मसला वाकई था जो चाइना जब अपनी असेंबली सॉरी आईफोन ने अपनी असेंबली चाइना शिफ्ट की थी। ठीक है, वो फॉक्सॉन समथिंग लाइक इस तरह की कोई कंपनी थी जो कि ये वायलेशन में इन्वॉल्व थी, लेकिन ओवर द टाइम फिर वो ये है कि आप ना कर सकते हो ना इम्प्रूव चीज़ें। ठीक है, तो रिसेंट उसके उसका जो है वो बयान भी है, उसके जो सीईओ का है ना वो ये कहता है कि इट्स नो लॉन्गर कॉस्ट कॉन्टेक्स्ट, मतलब नाउ दे आर नॉट आफ्टर कॉस्ट। चाइना की जो स्किल लेवल है वो बड़ा हाई है। ठीक है, तो स्किल लेवल की वजह से उनकी मजबूरी है कि वो चाइना से जो है वो पार्ट्स या चीजें उस तरह से जो है वो लेते हैं। ठीक हो गया पुत्र जी। सर जी, नेक्स्ट इज आपका जो है वो इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है। मतलब पहला था कि पोलिटिकल आर्ग्यूमेंट कि गवर्नमेंट को क्यों इंटरवीन करना चाहिए। यू पीपल नो के पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इट इज नेसेसरी टू इंटरवीन। ठीक है, कि सपोज मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, मैं कहूँ हमें जहाज बनाया हमने ना इंडिया को दे दिया, तो नारे लगने लग जाएंगे कि जी इमरान मोदी भाई भाई। ठीक है,
तो पॉलिटिकल मामलात में को भी देखना पड़ता है, तो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट भी ये कहता है कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए, हमें इंटरवीन, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। देन देयर इज इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट में जो एक स्पेसिफिक है आर्ग्यूमेंट, दैट इज इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, ठीक हो गया। अरे इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि आपकी एक जो लोकल इंडस्ट्री है जो कि अभी ग्रो कर रही है, ठीक हो गया, आपकी गवर्नमेंट को उस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो मच्योर हो जाए। इन्फेंट हम बोलते हैं दूध पीते बच्चे को ना, तो हम क्या करते हैं जो छोटा बच्चा होता है ना, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि उसको कोई चोट ना लग जाए, उसके भी मामला जो है वो खराब ना हो जाए, ठीक है। हम 3-4-5-6 साल तक उसको प्रोटेक्ट करते हैं, फिर वो चलने फिरने लग जाता है, फिर वो 10-12-15 साल का हो जाता है, फिर वो जो है जब बड़ा हो जाता है तो हम उसे छोड़ देते हैं कि ठीक है दुनिया में जाओ, जो तुमने करना है ना वो करो। तो ये इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट है कि बेसिकली है क्या कि आपकी एक इंडस्ट्री छोटी है, अगर छोटी इंडस्ट्री को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो इंडस्ट्री जो है वो शुरू में ही ना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप छोटी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करो, ऐसी इंडस्ट्रीज इनोवेशन लेके आती है और इन द लॉन्ग रन ना वो इंडस्ट्री जब अगेन कंपेटिटिव इंडस्ट्री के रूप में सामने आती है ना, तो फिर गवर्नमेंट को फायदा होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन द थिंग इज कि यहाँ पे ना आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट। अब कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ ए वायबल पॉलिसी और कुछ लोग ना स्पेसिफिक एग्जांपल्स देते हैं कि ये चीज़ नहीं चलती। वो लोग ये कहते हैं कि सपोज आपने एक चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा है ना, तो फिर क्या होगा, फिर ऑब्वियसली बात है कि आपकी इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में पड़ेगी और आपकी इंडस्ट्री को कंपटीशन का आइडिया ही नहीं होगा। जैसे ही आप प्रोटेक्शन खत्म करेंगे आपकी इंडस्ट्री जो है वो बैठ सकेगी। नहीं भी उसी तरह से है, वो कुछ बच्चों को हम कहते हैं ना कि मॉम डैड बच्चा है, ठीक है। अब अगेन होता क्या है कि वो उनको बहुत ज्यादा केयर दी गई होती है, तो देयर आर सो मेनी पीपल, फिर वो बच्चे ना सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंडस्ट्री भी है, अगर आप इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा केयर करेंगे, उनको हर चीज सस्ती देंगे, उनके अपने मामला जो है वो ठीक रखेंगे हर के सारे के सारे, तो वो इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी, लेकिन वो इंडस्ट्री ना एफिशिएंट नहीं रहेगी, ठीक है। वो सब्सिडीज पे पल के वो इंडस्ट्री जो है वो सब्सिडीज डिपेंडेंट या सब्सिडी की आदि हो जाएगी, ठीक है, और वो इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकेगी। इसमें ना वो आपकी बुक में एक ब्राजील की एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, उसमें अगेन क्या था कि उनकी एक इंडस्ट्री ना 22 साल तक प्रोटेक्टेड रही, 22 साल तक गवर्नमेंट ने उसे प्रोटेक्टेड रखा, और जैसे ही गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन खत्म की उनकी इंडस्ट्री बैठ गई, ठीक हो गया। दूसरा वो अगेन सब्सिडाइज फाइनेंसिंग है, मतलब अगेन आप अगर सब्सिडाइज फाइनेंसिंग या लो इंटरेस्ट रेट फाइनेंसिंग देनी शुरू कर दें तो कुछ लोगों के मुताबिक आपकी इंडस्ट्री कुड फ्लरिश इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कि आप ना उसको उस तरह से प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे लेकिन आप उसको फाइनेंसिंग सब्सिडाइज दे रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, 2-3-4 साल 5 साल ना। तो अगर आप सब्सिडाइज फाइनेंसिंग देना शुरू कर दें तो उससे देर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपकी इंडस्ट्री शुरू में जिसको पैसे की जरूरत है आप उसको पैसे दें तो हो सकता है कि वो मच्योर हो जाए, लेकिन कंपटीशन से उसे ना बचाएं, ठीक है। अगर आप कंपटीशन से बचाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि फिर कंपटीशन को प्रॉपरली फेस नहीं कर पाएगी। अगर आप कंपटीशन को नहीं बचाएंगे उससे तो ऑब्वियसली बात है कि वो हो सकता है कि एक स्ट्रेंथन्ड इंडस्ट्री उस तरह से बन के सामने जो है वो आए, ठीक हो गया जी। सर ये टाइम पीरियड उन्होंने अच्छी की के टाइम पीरियड के लिए फिक्स के लिए दे दिया उनको सब्सिडाइज के इतने टाइम में ग्रो कर लें और फिर सब्सिडीज नहीं दी जाएंगी। हां जी, और फिर वो अगेन द थिंग इज कि इट कुड बी एक्सटेंडेड अगर आपको लगे कि अभी भी आपकी इंडस्ट्री उतनी कंपेटिटिव नहीं है, लेकिन उन्होंने कंपटीशन से ना बचाएं, आपस का कंपटीशन या अगेन जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उससे ना बचाएं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी के मामला जो है वो उस तरह से इंप्रूव हो जाए, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी। अब स्ट्रेटेजिक ट्रेड स्ट्रेटेजिक इज अबाउट लॉन्ग रन, ठीक हो गया। अब लॉन्ग रन स्ट्रेटेजी के कॉन्टेक्स्ट में होता ये है कि यू वॉन्ट टू बिल्ड सम इंडस्ट्री, जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना आपको इंडिया की एग्जाम्पल दी कि उन्होंने आईटी इंडस्ट्री को बिल्ड करना था, ठीक है, तो दे हैड द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को लेके वो चले 5-8-10-15 साल, ठीक है। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ना जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब ये वेस्ट में काफी ज्यादा सारा होता है कि आप ना ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करते हैं जो कंपनीज जो है इनोवेटिव कंपनीज, आप फिर उनको कंपनीज को सपोर्ट करते हैं, अगर वो कंपनीज फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाए ना तो वो कंपनीज फिर बेस्ट ही रहती है। तब ये सारे का सारा ना अगर आप टेक्नोलॉजी फार्म देखें ना, टेक्नोलॉजी फार्म जनरली इट वुड बी सरप्राइजिंग फॉर यू कि जितनी भी आईटी इनोवेशन है ना ये अमेरिका में हुई है, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ठीक है, यू कैन नेम एनी कंपनी
जो कि ये जायंट हैं बड़े बड़े आईटी सेक्टर के, ये जायंट सारे के सारे ना यूएस से बेस्ड है, चाहे इनकी प्रोडक्शन अब फैल गई है या बाकी मामला दोस्तों से हो गई है। व्हाई इट इज सो, ठीक है, एक तो वहां पे टैलेंट ऑब्वियसली बात है कि आईटी का टैलेंट या उनकी यूनिवर्सिटीज या उनके मामला जो है काफी अच्छे हैं। दूसरा वहां गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे है। अब गवर्नमेंट ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को, ऐसी स्पेसिफिक चीजों को सपोर्ट करती है जिसकी बेस पे फिर क्या होता है कि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में अगेन कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऐसा उस तरह से नहीं होता क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट उस तरह से चीजों को सपोर्ट नहीं करती। तो वो कहते हैं कि जीडीपी आपका इंक्रीज कर सकता है अगर आपकी जो एक कंपनी है, एक कंट्री ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करे जिनका, जिसमें फर्स्ट मोर एडवांटेज या जिनमें इनोवेशन करने की कैपेसिटी हो, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी है। इसके आउटकम ना अनसर्टन हो सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, इसके आउटकम फौरन नहीं आएंगे, इसके आउटकम 4-5-8-10 साल में आएंगे, ठीक हो गया। इस तरह से अगर आप चाइना का केस देखें तो वो भी स्ट्रेटेजिकली अपने आप को लेके चले, मतलब उन्होंने पहले अपने वोकेशनल बिल्ड किए हैं, उन्होंने जो टेक्नीशियंस हैं वो पैदा किए, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ना चीजें बनानी शुरू की हैं, कॉपी करनी शुरू की हैं चीजें, अब वो चीजें खुद भी बना रहे हैं उस तरह, ठीक हो गया। तो इट्स अबाउट दैट कि आपकी ना एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में आप जाते हो और उस स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में ना आप अपना एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री, एक स्पेसिफिक स्किल बिल्ड करते हो, और आपकी अगर वो स्किल पूरी दुनिया में फिर उस जैसी अगर स्किल या प्रोडक्ट अगर नहीं होगी तो आपकी चीज जो है वो चल पड़ेगी। तो ये चाइना इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दिस, अमेरिका इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देसी, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अगेन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट को हेल्प टू ओवरकम टू एंटर बैरियर क्रिएटेड बाय फॉरेन फार्म्स। ऑब्वियसली बात है कि जो फॉरेन फार्म्स हैं उनके जो बैरियर, मतलब अब सपोज मैं कहता हूँ कि अगर एक बड़ी कंपनी है उसके लिए काफी ज्यादा सारी ना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लैंड चाहिए सपोज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट ना इस तरह के बैरियर्स को रिड्यूस करा सकती है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज दे सकती है, ठीक है। तो जो बैरियर्स फॉरेन फार्म के हैं, जो उनकी तरफ से क्रिएटेड बैरियर्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको फैसिलिटेट करके कम करा सकती है या ज्यादा कर सकती है, ठीक है। आज सपोज हम कहते हैं कि ना गवर्नमेंट ने एक बैरियर क्रिएट भी किया, ये जो था ना ट्रंप ने स्पेसिफिकली हवावे पे बैन कर दिया, लगा दिया, ठीक हो गया। अब हवावे बैन इज ए एग्जाम्पल के उन्होंने किस तरह से बैरियर क्रिएट किया, ठीक हो गया। तो अगेन क्या चाइना ने फिर अगेन क्या किया, चाइना कुड वर्क विद अमेरिका और अदर कंट्रीज कि वो किसी तरह से ट्रेड बैरियर्स वगैरह उस तरह से जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक हो गया। हम कहते हैं हम ना मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट दे देते हैं किसी को स्टेटस, उससे फिर ना आपकी ट्रेड फैसिलिटेट हो जाती है। तो अगेन गवर्नमेंट्स क्या कर सकती है, इनडायरेक्टली कंपनीज को सपोर्ट कर सकती है, मतलब हम अच्छी चीज बना रहे हैं और हमारी कंपनी की ना सपोज हम कहते हैं हमारी चीजों की ना बड़ी एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, तो आप अब क्या करे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ना इंडिया से निगोशिएट करे और इंडिया से निगोशिएट करके मामला को उस तरह से देख ले। दूसरा अगेन इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, कॉपीराइट्स हैं, इंटरनेशनल कॉपीराइट्स, इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉज है, गवर्नमेंट अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में ना अपने प्लेटफॉर्म से मामला सारे के सारे फैसिलिटेट करा सकती है, ठीक हो गया। तो इट इज व्हाट इट इज योर इकोनॉमिक आर्गुमेंट फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक हो गया। पुत्र यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो जी बता दे। जी सर, इशू है? नो सर। जी सर का मतलब होता है। चलिए पुत्र आज का जो है वो यहाँ तक इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने करना ये है, कल वाली क्लास में आप लोगों की जो असाइनमेंट थी टिकटॉक वाली हम वो देखेंगे, मतलब ऑनलाइन अभी क्लासें चली गई हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू लाइक व्यू एंड वॉच दो असाइनमेंट्स, ठीक हो गया। तो आई होप सो कि लाइक टिकटॉक आप लोगों के कितने ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप्स होंगे मैक्सिमम सर। सर हमने तो उस पे वर्किंग ही नहीं की, हमने कहा ऑनलाइन में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। वो ऑनलाइन में ही वो सबमिट करानी थी पहले, वो पहले प्रेजेंट नहीं कर रही थी, ठीक हो गया। वर्किंग तुम लोगों ने क्यों नहीं की, वर्किंग सर वो तो प्रेजेंट कर रही है, बैन हो गई थी सर, टिकटॉक बैन हो गई थी सर, टिकटॉक बैन हो गई थी। एडे तुसी बैन कब हुई थी सर? सर रिसेंटली हुई है। अरे रिसेंटली नहीं, शब्बे मिराज पे हो गई थी, थर्सडे से बैन हुई हुई थी। लाइक ही भी है बाकी भी चीजें। चलो अच्छा नेक्स्ट वीक पे ले लेते हैं फिर उसे, नेक्स्ट जो वीक की आपकी पहली क्लास होगी ना उसमें अगेन आपकी वो असाइनमेंट जो है वो, ठीक हो गया।
ओके सर, चलो ओके थैंक यू सर। जरूरी है कि टिकटॉक को यूज करके वैसे सिंपल नहीं वीडियो बन सकती? आप किसी भी उसमें बना, टिकटॉक जरूरी नहीं है, आप लाइकी है, लाइकी के अलावा भी देर आर अदर लाइक।